शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मध्यवर्ती बस स्थानक से मजदूरों के परिवारों को एक राज्य से दूसरे राज्य के बॉर्डर पर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के बॉर्डर पर छोड़ा जा रहा है। नागपुर के मध्यवर्ती बस स्थानक से रोजाना दर्जनों बसें एक राज्य से दूसरे राज्य के बॉर्डर तक यात्रियों को, बिहारी मजदूरों को ले जा रहे हैं। इस बस स्थानक से रोजाना 12 बसेस अलग अलग राज्य के बॉर्डर पर बाहर से आए हुए और मेडिकल जांच के बाद मजदूरों को उनके राज्य के बॉर्डर पर फ्री ऑफ सर्विस देकर बसों में छोड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ खवासा, बालाघाट, बोमकट्टा बॉर्डर 2, छिंदवाड़ा, सान्नूर बॉर्डर, बैतूर बॉर्डर आदि यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक बस में 22 लोग भेजा जाता है। ऐसी जानकारी दीपक तामगाड़गे, बस स्थानक प्रमुख, इन्होंने इनबीसीएन समक्ष दी है। हमारे नागपुर बस स्थानक से अभी छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक, यानी वो उधर कलकत्ता, झारखंड जो जाने वाले मजदूर वर्ग है जो अपने आए हैं उनको अपन बॉर्डर तक छोड़ के देते हैं। वैसे एमपी में यूपी, बिहार, रीवा, इधर में जाने वाले जो लोग हैं, जो अपने मजदूर वर्ग है उनको अपन खवासा बॉर्डर तक छोड़ देते हैं। कुछ मजदूर बालाघाटी है उनको अपन बोनकट्टा बॉर्डर तक के छोड़ देते हैं। कुछ मजदूर छिंदवाड़ा के आगे जाने वाले होते हैं एमपी में, उनको अपन सातनूर बॉर्डर तक छोड़ देते हैं। उसके बाद में पांडुना, बैतूल रोड पे भोपाल की तरफ जाने वाले जो मजदूर होते हैं उनको अपन वर्चिचुली बॉर्डर तक छोड़ देते हैं। टेन से 14 से 15 हज़ार मजदूर और कुछ विद्यार्थी आए। अपने जितने मजदूर आते हैं, जो ट्रेन से आते हैं उनका कोनोटाइल हुआ रहता है, और बाकी जो मजदूर आते हैं या मेडिकल कैंप लगा हुआ है वो मेडिकल कैंप में सब मजदूर अपना मेडिकल करवाते हैं, उसके बाद ही बस के अंदर रजिस्ट्रेशन करके बैठते हैं। अपने हर बस के अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है, एक बस में 22 के ऊपर अपन मजदूर नहीं भरते। नागपुर के इस बस स्थानक से यूपी, बिहार, रीवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, खवासा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल आदि बॉर्डर पर यात्रियों को छोड़ा जा रहा है। नागपुर गणेशपेट का ये वही बस स्टैंड है जहां से प्रतिदिन कई यात्री अलग अलग राज्यों के लिए जाते हैं। जी हां, इस समय इनबीसीएन की टीम भी इसी परिसर में, हम आपको बता दें कि ये जो बसें लगी हुई है ये उन राज्यों के यात्रियों को लेके जाने के लिए है जो लोग क्वारंटाइन हुए थे और जिन लोगों का मेडिकल चेकअप हुआ। और अब तक के ऐसे 14 से 15 हज़ार लोग नागपुर के इसी गणेशपेट बस स्टैंड से इन्हीं बसों में सवार होके अब अपने राज्यों में गए हैं, और ये लोग उस राज्य की बॉर्डर तक अपने इन्हीं बसों के माध्यम से उन्हें वहाँ तक छोड़ने की सेवा पिछले कई महीनों से लगातार दे रहे हैं। इसके लिए सभी ड्राइवर, कंडक्टर, कर्मी पूरे अच्छा कामकाज कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि एक बस में तकरीबन 22 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए उन्हें यहाँ पर बिठाया जाता है, बाइज्जत उन्हें उनकी सभी उनको सहूलियत दी जाती है, और उन्हें उनके घर भी उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ने के लिए पूरी तरह से ये तमाम ड्राइवर की टीम और आगर प्रमुख ये सभी लोग अच्छा कामकाज कर रहे हैं। नागपुर के गणेशपेट बस स्टैंड से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।